आज का वीडियो होने वाला है गल्फ प्राइड 40 अल्ट्रा प्लस के ऊपर। ये वाला जो बॉक्स है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि जो गल्फ वाला बॉक्स था वो मेरे से खो गया है। अब वीडियो में कोई बॉक्स मुझे दिखाना था सिर्फ मैंने इसलिए रखा है। बाकी मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा कौन सा वाला ऑयल था, और उसका लिंक भी दे दूंगा। उसका जो एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो उसके जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट है वो मैं आपसे जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट उसका माइलेज को लेकर, तो उसका माइलेज मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा बाकी जो मैं ऑयल यूज़ करता था, बल्कि जो मैं शेल यूज़ करता हूँ जो 400 425 के आसपास आ जाता है उस ऑयल से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि शेल की जो क्वालिटी है ऑयल की वो ज़्यादा बेहतर है इस वाले ऑयल से। फिर स्मूथनेस की बात करूँ तो स्मूथनेस उसकी अच्छी है, कोई ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है ऐसा जैसा उसमें प्रचार में दिखाया जाता है। तो स्मूथनेस में कोई शिकायत नहीं है। बाकी एक्सेलरेशन के जो बात है उससे मैं थोड़ा निराश हूँ। जिस तरह से ये अपने ऑयल का प्रचार करते हैं कि इसमें आपको सेगमेंट की फास्टेस्ट एक्सेलरेशन मिलेगा, उस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ से मैं थोड़ा सा निराश हूँ। ये मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और इसमें एक जो बड़ी प्रॉब्लम है मुझे अब तक जो फेस मुझे करनी पड़ी, बाकी मुझे नहीं पता किसी और के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, जो मैंने फेस किया है वो था कि इसमें ओवर हीटिंग इशू मुझे लगा। और ओवर हीटिंग इशू भी ऐसा नहीं कि गर्मी के मौसम में, अभी फरवरी मार्च के जो मौसम में था उसमें मुझे ऐसा फेस करना पड़ा, वो भी छोटी मोटी जर्नी के लिए। मैं जिस बाइक में इस ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आसपास जाने के लिए 2 4 किलोमीटर के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब मैं घर लौट के आया तो इंजन बहुत ही गर्म हो रखा था, शाम का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था इस वाले ऑयल के साथ, जो कि 20W40 ग्रेड का है, हायर ग्रेड में है तो ज़्यादा हीटिंग का इशू नहीं आना चाहिए था इसमें। फिर जो इसकी प्राइस की बात है, तो मैंने ये प्राइस लिया था 352 रुपये, अमेज़ोन से ख़रीदा था मैंने। तो अब मैं फ़िलहाल में देख रहा हूँ तो ये काफ़ी महंगा हो चुका है, 428 रुपये के आसपास मिल रहा है। किसी ऑफ़र वगैरह में आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। अगर आप इतना बजट कर सकते हैं तो आप फिर शेल की तरफ जाइए। शेल मैं उसका लिंक दे दूंगा और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। बाकी वो शेल इससे सुपीरियर प्रोडक्ट है, मैंने उसका रिव्यू पहले कर रखा है। अगर मुझे इसका बॉक्स मिलता है तो मैं दोनों कंपैरिजन भी कर दूंगा, क्योंकि शेल का बॉक्स मेरे पास रखा है, और कंपैरिजन मैं कर दूंगा दोनों के एक्सपीरियंस के साथ। मैं ये सेम बाइक में दोनों को यूज़ करा है। तो बाकी अभी जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं वो मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक का, और अगर कोई बड़ी बात हुई या फिर कुछ अलग हुआ इसके साथ एक्सपीरियंस तो मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू।